children hope all of us are doing good and all of us are excited to begin this new session now the topic that we will study today is the english alphabet think look into your bag and write the names of the items in it rearrange the names of words in alphabetical order apne bag ke andar dekhiye और जो जो चीज़ें आपके बैग में पड़ी हैं उन सब के नाम लिखिए अब आप क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन नामों को आप अरेंज करेंगे लेट्स डू री राइट द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे ये सारे क्या दिए हैं अल्फाबेट्स। और ये अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं आपने क्या करना है कि इन अल्फाबेट्स को या इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है अब लेटर्स क्या दिए हैं कैपिटल जे कैपिटल एल कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल एन कैपिटल सी देन कैपिटल जेड कैपिटल जी कैपिटल ओ कैपिटल क्यू कैपिटल बी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल पी तो अब आप क्या करेंगे कि इन सारे कैपिटल लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा कैपिटल ए उसके बाद आएगा कैपिटल बी इसी तरह से यहाँ पे जो जो कैपिटल लेटर्स दिए हैं आप उन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नाउ री द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे आपको सारे स्मॉल लेटर्स दिए हैं स्मॉल बी स्मॉल एस स्मॉल वी स्मॉल यू स्मॉल एफ स्मॉल जेड स्मॉल के स्मॉल एस स्मॉल ओ स्मॉल पी स्मॉल आई स्मॉल एन स्मॉल एम और स्मॉल ई e. तो आपने इन सारे स्मॉल लेटर्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है अब यहाँ जितने आपको स्मॉल लेटर्स दिए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला क्या आएगा स्मॉल बी उसके बाद जो जिस तरह से आएंगे आप ऑर्डर में लिखेंगे नाउ लेटर्स रीड कॉन्सोनेट्स एंड वावल्स देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट देअ ए बी सी ऑर्डर इज कॉल्ड दल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक ट्वेंटी सिक्स इंग्लिश अल्फाबेट हैं और वो जिस ऑर्डर में लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं एल्फाबेटिकल ऑर्डर नाउ लेटर्स ए आई ओ यू आर कॉल्ड वावल्स ये लेटर्स क्या हैं ये हमारे वावल्स हैं देंटी वन लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेट्स जो बी सी डी वगैरह हैं ना वैसे ट्वेंटी वन लेटर्स हमारे हैं कॉन्सोनेट्स नाउ लेटर्स लुक एट देंटेंसेस Groups of words that make sense are called sentences. A complete sentence begins with a capital letter. New sentences begin with a capital letter. तो जब भी कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इकट्ठे लिखते हैं और उनसे हमें समझ में आता है कि ये क्या सेंस बन रही है तो वो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं सेंटेंस और कभी भी जब भी हम एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं जो कि फुल स्टॉप से एंड होता है तो जो पहला लेटर होता है ना जिससे पहला वर्ड शुरू होता है उस लेटर को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या दिया है रीटा इज़ माई सिस्टर तो पहला वर्ड क्या था रीटा उसका हमने पहला लेटर कैसे लिखा कैपिटल आर नेक्स्ट क्या है जुलाई इज़ अ हॉट मंथ तो जुलाई का जे हमने कैपिटल से लिखा द सब्जेक्ट इज वॉट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट द प्रेडिकेट टेल्जस अबाउट द सब्जेक्ट तो सेंटेंस जो है हम किसके बारे में वो सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है अब अगर हम ये एग्जाम्पल देखें रवि इज ईटिंग एन एप्पल। तो इस सेंटेंस में जो हमारा रवि है ये सब्जेक्ट है और वो क्या खा रहा है एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है नाउ टेल नेम एनी एट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड विद अ फ्रेंड टेल इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने फ्रेंड के साथ आप आस पास देखिए आपको आठ ऑब्जेक्ट क्या नजर आ रहे हैं और उनको जो है उनके बारे में आप एल्फाबेटिकल ऑर्डर में बात करेंगे नाउ लेट राइट सर्कल द कॉन्सोनेंट इन दीस फॉलोइंग वर्ड्स यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिए हैं बाइसिकल हेन एरोप्लेन बॉल तो इन वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट्स हैं आप उनको सर्कल करेंगे जैसे बाइसिकल में बी सी वाई सी एल ये सारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स इसी तरह से बाकी वर्ड्स में भी आप कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करेंगे नाउ सर्कल द वावल्स इन दीज वर्ड्स अब ये क्या वर्ड्स दिए हैं बियर एग क्लाउड एप्पल इन सारे वर्ड्स में जो भी वावल्स लिखे हैं आप उन वावल्स को सर्कल करेंगे ना राइट दीज फॉलोइंग वर्ड्स अगेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब जैसे आपको वर्ड्स दिए हैं स्कर्ट हैट जीन्स टॉप पैंट्स तो इन वर्ड्स को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसी तरह से बाकी क्या वर्ड्स दिए हैं चेयर टेबल बेंच स्टूल डेस्क एप्पल, स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स पाइन मैंगो लायन टाइगर जिराफ फॉक्स एलिफेंट नाउ री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है वुल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल तो यहाँ पर हमें क्या करना है वुल्फ के डब्ल्यू को हमने कैपिटल लेटर से लिख कर के सेंटेंस दोबारा से रीराइट करना है सिमिलरली जय इज माई ब्रदर वी आर प्लेइंग स्क्रेबल वेयर इज़ योर हाउस पिकॉक इज़ दी नेशनल बर्ड तो इन सभी सेंटेंसेस में जो पहला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसको हमने कैपिटल लेटर से लिखना है नाउ द लेटर आई रेफर्स टू आर सेल्स इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस फेस्टिवल्स डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स अब आई क्या है जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो आई यूज़ करते हैं ना आई एम अ गुड गर्ल आई एम अ गुड बॉय तो ये जो आई है जो हमारे बारे में होता है इस आई को हम हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखते हैं और फिर अगर लोगों के जगह के फेस्टिवल्स के या हफ्ते के दिनों के या साल के महीनों के जब नाम लिखते हैं तो उनको भी हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं नाउ री राइट ईट सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स तो जैसे पहला सेंटेंस है न दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यहाँ पे सबसे पहले तो आप दिवाली का जो डी है वो कैपिटल लिखेंगे फिर बाकी का सेंटेंस लिखेंगे इसी तरह से आपने बाकी सेंटेंसेस में भी जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ आपने कैपिटल लेटर्स से लिखना है सो वॉट आर दीज सेंटेंसेस Shail Thakur is the head girl. Sunday is a holiday. July is a summer month. We celebrate Republic Day in January. Delhi is the capital of India. Rohan and Ravi are sleeping. Diwali is in October this year. Now let us look at the next exercise. Add a word at the beginning to complete these sentences. अब ये सेंटेंस दिए हैं इनमें starting में एक blank दिया है तो आपने इन blank में suitable word लिखना है जिससे कि लिखने के बाद ये sentence की अच्छी sense बने तो पहला क्या है Blank live in stables। यहाँ पे stables में कौन रहते हैं हॉर्स तो हम क्या लिखेंगे Horses live in stables. तो इसी तरह से बाकी सेंटें भी जो ब्लैंक्स हैं उनमें आप सूटेबल वर्ड्स लिखेंगे sentences क्या है स्काई डॉन अट्स कैरेट्स डैश रीड इन द लाइब्ररी इज द स्मॉलेस्ट प्लान डैश इज द नेशन अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है एट अ वर्ड एट सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में एंड में एक ब्लैंक दिया है अब आप इस ब्लैंक में अप्रोप्रिएट या सूटेबल वर्ड लिखेंगे ताकि जो सेंटेंस आप बना रहे हैं वो मीनिंगफुल हो अब ये सेंटेंसेस क्या है सन राइजेस इन द ब्लैंक यहां क्या आ जाएगा ईस्ट इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस हैं गोड्स गिव डैश क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ डैश बर्ड्स लिव इन डैश राइनो हैज लॉन्ग डैश वॉट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनकी पोजिशन चेंज करके इनको रीअरेंज करके लिखना है ताकि ढंग के मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सकें जैसे कि फर्स्ट क्या है, हैस लोंग रोनी नोस अब अगर इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो कैसे बना सकते हैं रोनी ज अ लॉन्ग नोज बाकी वर्ड्स क्या है सेकेंड है ब्लैक बफलोस अ बॉडी हैव नेक्स्ट है कस्टर्ड लंच मदर मेड फॉर फोर्थ है पुट ब्रेड जैम ऑन आई नेक्स्ट क्या है एज आई पेट हैव डॉग नाउ लेटर्स एंजॉय

The dinosaur flew in the sky. The lion laid eggs. So, children, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.